और हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट होके डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएगा, वो जो है क्लाउड स्पेस में पहुंच जाएगा, राइट? जी, क्लाउड स्पेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आइडेंटिफाई करेगी कि इसने किसने क्राइम किया है, किस थाना क्षेत्र का है, उसके पास उसे भेज के कहेगी सिग्नेचर कर, राइट? अच्छा, जैसे ही वो सिग्नेचर करेगा तो वो जो है चालान हो जाएगा, और चालान को लेके वो अपराधी के पास जाएंगे, देखो ये साक्ष्य है और तू जो है ना इसका जो है पेमेंट सब तरीके से कर सकता है, फोन पे से कर सकता है, क्रेडिट से कर सकता है, डेबिट से कर सकता है, जो तेरे को अच्छा लग रहा है कर दे, नहीं तो एक सप्ताह बाद जो है ना 11 बजे कोर्ट में पहुंच जा, राइट? कोर्ट के पास डिजिटल एविडेंस है तो इनको कोई राहत मिलने वाली है नहीं। अब मोटर व्हीकल एक्ट में 2,000 से 25,000 रुपए तक का जो है वो है कंपाउंडिंग फीस है वो है तो, और यदि वही गड़बड़ी जो इन्फोर्समेंट वाले हैं वो करते हैं, वही अपराध यदि इन्फोर्समेंट वाले करते हैं जैसे पुलिस करता है, तो 2019 के मोटर व्हीकल एक्ट में उस पर डबल जो है पेनल्टी है, मतलब पुलिस वाले के द्वारा यदि अपराध किया गया है तो उसका जो चालान जो जो 4,000 से लेके 50,000 का है, ठीक है ना, डबल द अमाउंट है, सीधा डबल है, ठीक है। अब अपन पकड़े कि सबसे छोटा अपराध हम पकड़ रहे हैं और सीएफबी ऐप के माध्यम से भारत का हर नागरिक एक बटन दबाता है, तो 2,000 रुपए हुए सबसे छोटे अपराध में, 1,000 सरकार के पास चला जाएगा, 1,000 बटन दबाने वाले के हाथ में चला जाएगा, राइट? 137 करोड़ लोग यदि बटन दबाएंगे और 1,000 रुपए सरकार को मिलेगा तो 1,37,000 करोड़ एक बटन दबाने से पैदा हो जाएगा, चौंकाने वाला। अच्छा अब ये देखिए, अब इसको आगे बढ़िए। अभी इनकम टैक्स का जो है ना बजट आया तो मुझे उसमें सुनने को मिला कि पहले जो है वो 3.8 कुछ करोड़ जो है वो लोग जो है इनकम टैक्स पे करते थे, अब वर्तमान में जो है डिजिटल इतनी सारी चीजें होने से इनकम टैक्स बढ़ के 8 करोड़ हो गया है, 8 करोड़ व्यक्ति जो है इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और टोटल वसूली जो है वो 10,00,000 करोड़ है। इसका मतलब है कि यदि जनता ने 10 बटन दबा दिए एक छोटे से एक्ट की, राइट, तो कितना पैसा होगा, 13,07,00,000 करोड़ रुपए, 13,07,00,000 करोड़ रुपए, मतलब 30% ज्यादा होगा जो आप इनकम टैक्स से साल भर में कलेक्ट कर रहे हो। आप यदि 3 दिन में 10 बटन भी दबा दोगे तो इनकम टैक्स और कस्टम एंड एक्साइज का मिला के जितना पैसा, और ये तो एक वायलेशन की बात कर रहे हैं अपन, ऐसे ढेर सारे वायलेशंस को हम डिजिटली कैप्चर कर सकते हैं और जितना पैसा सरकार को मिल रहा है इतना पैसा पब्लिक में भी बट रहा है। जी जी जी, बताइए कितना आमूल चूल परिवर्तन लाएगा और एक रूल कंप्लायंट सोसाइटी पैदा होगी। जी जी, अब आप ये बताइए कि यदि हम इनकम टैक्स की बजाय इनकम टैक्स को जीरो और बाकी सब टैक्स को जीरो कर देते हैं, उसकी जगह हम एक ट्रांजेक्शन फीस लेते हैं, राइट? जी, चलिए शुरू में चूंकि मालूम नहीं है कि कितना पैसा आएगा तो 5% रख देंगे, जिसको बाद में हम घटा के 2% पर ले जाना चाहते हैं। अब आपने मुझे पैसा ट्रांसफर किया, 5% कट गया, राइट? मैंने मोहन को ट्रांसफर किया, उसके 5% कट गए। अब बताओ वो पैसे ने यदि दिन भर में 25 हैंड यदि क्रॉस किए तो सरकार को 50% पैसा मिल गया टैक्स में। मिल गया कि नहीं मिल गया? सर सर सर, यस और नो? बिल्कुल यस सर। तो ये जो अभी टैक्स आपका कलेक्शन है इससे मालूम नहीं 10 गुना होगा या 100 गुना होगा, इतना पैसा डेवलपमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए अवेलेबल होगा। बिल्कुल सर, और किसी को कोई टैक्स नहीं होगा, किसी को कोई चोर नहीं होगा, किसी को कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा। ये जो यहाँ रेड पड़ रहा है वहां रेड पड़ रहा है, लोग अपने पॉलिटिकल जो है स्कोर सेटल कर रहे हैं, ये सब मक्कारियां और बदमाशियां से हम बच जाएंगे। आज की जो हमारी व्यवस्था है ये कौन सी व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने स्थापित की? अंग्रेजों की सोच क्या थी? भारतीयों का अपमान करो, उनको शोषित करो, उनको चोर घोषित करो, उनमें डंडे लगाओ। और जो हम लोग जिस व्यवस्था में थे, हम लोगों को उन्होंने लॉर्ड बनाया हुआ था, लॉर्ड कमिट्स नो मिस्टेक, तो हम निर्णय लें हमारी मर्जी, निर्णय ना लें हमारी मर्जी, विलंब से निर्णय लें हमारी मर्जी, और गलत निर्णय लें घुस खा के निर्णय लें तो हमारी मर्जी। पब्लिक जो है वो रिसीविंग एंड में है,
हमारा पटवारी यदि गलत नामांकन करके एक सामने वाले परिवार को पूरी जिंदगी भर वो अपने जो है ना चप्पल में रगड़ता रहेगा, उसे न्याय नहीं मिलेगा। सही सही। क्या उस पटवारी की कोई जिम्मेवारी है? क्या उसका जो है ना उसकी उसके उसकी यदि तनख्वाह से जो है ना मिस करी और जस्टिस के लिए टॉर्ट के तहत यदि हम कंपनसेशन वसूल करने लगे तो पूरी व्यवस्था रातों रात सुधर जाएगी। सर मैं आपको एक थोड़ा सा इंसिडेंस सुनाऊं। मैं आसपुर में एक दिन था, तो एक पटवारी ऐसी ढूंढता करी, एक बनिया था, तो देखिए अच्छा बनिया अच्छा पैसा देगा, तो उसकी जमाबंदी में सर उसका नाम लिख दिया, विद्युत कुमार उसका नाम था, उसने लिख दिया विद्युत विभाग। ओके। अब सर अब गवर्नमेंट के खिलाफ कौन प्लीड करे? ये स्थिति हो गई है 10-15 साल तक वो बेचारा फिर मेरे कोर्ट में आया। मैंने कहा ये तो किस बात की, 136 का केस भी नहीं है हमारे, ये तो अभी उसकी पटवारी की लापरवाही। मैंने तत्काल उसको बिल्कुल, मैंने कहा उसके स्वार्थवश उसने उसको दुष्टता की। ऐसे लोग हैं सर आप कह रहे हो पटवारी। वहाँ पर जो है ना उस बनिया विद्युत कुमार के यहाँ पर विद्युत विभाग का क्या लेना देना यार? उसके खेत में या उसके उसमें मकान में विद्युत विभाग का क्या स्टेक है? मतलब ये तो एकदम मूर्खता और धूर्तता की पराकाष्ठा है। और हमारा सिस्टम अपने लोगों की धूर्तता मूर्खता बदमाशी मक्कारी भ्रष्टाचार को कवर करता है और पब्लिक को रिलीफ नहीं देता है। आपको मैं सल्यूट करता हूँ, आप एक बहुत अच्छे विचार के व्यक्ति थे और आप रिटायरमेंट के बाद भी उसी शक्ति से लगे हुए हैं। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आपको सल्यूट करता हूँ और आपकी शक्ति और एनर्जी का आह्वान करता हूँ कि चारों तरफ जो है भिड़ जाओ। हम इन छोटे चरित्र के अपराधी तुल नेता जो कि जिनका काम सिर्फ नेतागिरी करना है, जिन्होंने अपने चारों तरफ चाटकारों और अपराधियों की फौज कड़ी कर ली है, जिन्होंने पब्लिक में भय व्याप्त कर दिया है, जिन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को अपंग बना दिया है, थानों में जिनके कहने पे अपराध पंजीयन होता है, जिनके कहने पे जो है गिरफ्तारियां होती है, ऐसी व्यवस्था को जो है ना हम जड़ से उखाड़ फेरें। आओ हम यह संकल्प लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया आज आपने इतना उद्बोधन और आज एक नवाचार जबरदस्त है, ये तो मैंने पहली बार सुना कि इतना भी हो सकता है। नहीं आप बताइए क्यों नहीं हो सकता है? आप मेरे जो है ना 1000 वीडियो हैं इस पे क्राइम फ्री भारत पे, आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? नहीं किया सर, मैं अब करता हूँ, अभी करता हूँ। अभी सब्सक्राइब करिए और अपने सभी चैनलों से कराइए और हम तो कह रहे हैं चौपाल करिए, उसमें जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनको दिखाइए और हम बहुत जल्दी ऐप लेके आ रहे हैं तो ये सब मेंबर बनेंगे। मैं सर खुद के 10 ग्रुप है, पहले 40 ग्रुप थे उनको कंबाइन करके मैंने 10 कर दिए हैं, सब मैं करूंगा सर एक बार। मैं ऐप से नहीं, नॉट ऑनली देखो, एक तो होता है कि इतना अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, इतने सारे वो चल रहे हैं, लोगों को जोक ज्यादा पसंद आते हैं इसमें, तो जो है ना ग्रुप में तो चर्चा वाले ग्रुप है सर, हम बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, हेल्दी 4-5 डिस्कशन हमारा प्रतिबंध लगा रखा है सर वीडियो पे। हमारा ये सोचना और है कि हम लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में चौपाल करें, संकष्टी करें, इन वीडियो को पब्लिकली दिखाएं और जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे ही ऐप लॉन्च हो जाता है तो उसकी मेंबरशिप लें और ताल ठोक के हम अपने देश को जो है ना बदल दें, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता तो ऐसा नहीं होने देंगे। ये तो काले अंग्रेज हैं, यह जो है इन्हें जो अंग्रेजों के द्वारा शोषण करने वाला तंत्र इनको बहुत पसंद आ रहा है। जब भी किसी पुलिस सुधार की बात होती है इन बदमाशों की रूहें कांप जाती हैं। आप ये बताइए, मैं बहुत दुखी होता हूँ कई बार मैं, क्योंकि मेरी मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और उनकी तरफ बहुत दयनीय आंखों से देखता हूँ कि वो शायद इस देश का कल्याण करेंगे। जब वो ये कहते हैं कि यह लोग मुझे नोच के खा जाएंगे, ये मुझे जीने नहीं देंगे और उनके बीजेपी के ही लोग हर केस को जो है ना सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं, तो आचार्य जी मैं पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने ये अंग्रेजों के कानून को आगे बढ़ाया, खुद गलत कानून बनाए, ब्यूरोक्रेसी और बाकी व्यवस्थाओं को लॉर्ड बना दिया और पूरा जो है ना चारों तरफ से पार्टी तंत्र से प्रजातंत्र की हत्या कर दी, ये सब काम जो है चाहे कांग्रेस ने किए हो या किसी ने भी किए हो, इसी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के किए हैं। इनमें से कोई भी काम इन लोगों ने किसी सुप्रीम कोर्ट से कराया क्या? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? 365 दिन पार्लियामेंट चला के एक एक करके उनको शक्ति प्राप्त है, उसको ठीक करते जाएं। ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं, हम इतने दुष्ट लोग हैं
2014 से एक पिटीशन चल रही थी कोर्ट में कि आर्टिकल 35A असंवैधानिक है। आपको मालूम है 35A कैसे आया? देखिए, पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हो गए थे, हमारा संविधान लागू हो गया था। जी जी, ठीक है ना। ये आर्टिकल जो है 14 मई 1954 को जो है बाय नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट आया है और प्रेसिडेंट, राइट, प्रेसिडेंट उस समय जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने इस नोटिफिकेशन में 8 गलतियां बताई। अच्छा। साहब ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये 8 कारण है कि क्यों ये असंवैधानिक है। उसके जवाब में माननीय नेहरू जी लिखते हैं कि यह बहुत आवश्यक है, आप इसे जारी करें। हम लोग अनौपचारिक, हम आपकी 8 आपत्तियों से सहमत है लेकिन इसे आप जारी करें। और इस व्यक्ति का इतना दबाव था कि प्रेसिडेंट को उसे जारी करना पड़ा। अब मैं आचार्य जी आपसे पूछता हूं कि क्या प्रेसिडेंट में ऐसी शक्ति निहित है कि वो किसी आर्टिकल को संविधान में पैदा कर दे? है क्या ऐसी कोई शक्ति? असेंबली की माननी पड़ेगी सर उसको। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा नहीं, मानना नहीं, हमें कह रहे हैं प्रेसिडेंट में ताकत ही नहीं है। प्रेसिडेंट जो है संविधान का संशोधन नहीं कर सकता है, संविधान से कोई आर्टिकल हटा नहीं सकता है, कोई आर्टिकल जोड़ नहीं सकता है। जोड़ सकता है क्या? नहीं नहीं। देखिए, प्रेसिडेंट को एक अधिकार है कि वो कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे जब पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस, और वो ऑर्डिनेंस जो है यदि 6 महीने में पार्लियामेंट में विचारण करके यदि उसे अप्रूव नहीं किया तो वो लैप्स कर जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सर। तो ये आर्टिकल 35 ये पहले तो पैदा क्यों हुआ, राइट? दूसरी बात, ये स्वतः समाप्त क्यों नहीं हुआ 6 महीने के बाद? और जब 2014 में यह प्ली जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लाई गई तो इतने सालों तक, अभी तो समाप्त कर दिया है लेकिन इतने सालों तक एक बच्चा भी सुप्रीम कोर्ट को बता देता कि इसका संवैधानिक जो है जन्म नहीं हुआ है, असंवैधानिक है। जिस समय जो है ना इस प्ली को एक्सेप्ट किया गया उसी दिन इस पर निर्णय जारी किया जा सकता था। सर ये स्थिति आरक्षण वाली है सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर न्याय कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं तो ये बात भी कह रहा हूँ कि आप ये मुझे बताइए, हम कहते हैं जुडिशरी अलग है, जुडिशरी सुप्रीम है, ये जुडिशरी पैदा कैसे हो रही है? ये राजनीतिक मेहरबानी पे पैदा हो। बिल्कुल 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 सही। आप ये बताइए, बहुत सारे वकीलों की दुकान नहीं चलती है, वो पॉलिटिकल फेवर के द्वारा हाई कोर्ट के जो है जज बन जाते हैं। यदि आप कम उम्र में यदि हाई कोर्ट के जज बन गए और सीधे एडीजे बन जाते हैं सर, एडीजे से आगे आ जाते हैं हाईकोर्ट में। नहीं 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 नहीं, एडीजे का तो वो तो अलग सर्विस हो गई, वो तो एडीजे तो फिर भी ठीक है, एक सर्विस का व्यक्ति है, कंपटीशन में आया हुआ है, उसने हाई सर्विस से लिया है। वकील कोटे वाले हैं सर, वकील कोटे वाले एडीजे बन जाते सीधे। नहीं, उसमें भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, जैसे मैंने लेकिन लेकिन जो है जो सीधे वकील हाईकोर्ट के जज बनते हैं, यदि कोई व्यक्ति कम उम्र में हाईकोर्ट का जज बन जाता है तो क्या उसी दिन ये बात नहीं लिख दी गई है कि वो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनेगा? उसका जन्म क्या पॉलिटिकल मेहरबानी से नहीं हुआ? जहां पर जुडिशरी को इतने कठोर और अच्छे निर्णय लेना चाहिए वहां पर क्या उनका जन्म पॉलिटिकल मेहरबानी से होना चाहिए क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या 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 कर पाएंगे वो, आजादी तो रहेगी नहीं। करेक्ट। तो हमें जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाना चाहिए, हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब उसी से पैदा होना चाहिए और उनके ट्रांसफर पोस्टिंग प्लेसमेंट प्लेसमेंट के लिए बहुत ऑब्जेक्टिव और मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया होना चाहिए। इनके जो ट्रांसफर होते हैं वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। तो ये सब क्या धंधे हैं, काय की जो है ना इंडिपेंडेंस है? आप ये देखिए, जो आपके मंत्री हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं कि नहीं है? तो वो मंत्री जो है वो ही बैठ के जो है ना, मंत्री बैठ के जो है ना पार्लियामेंट में कानून भी पास कराते हैं, वोट भी देते हैं। बिल्कुल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक उसमें रेफरेंस में कहा कि जब हमें कोई भ्रम होता है तो हम जो है बहस में पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं। कहाँ देखते हैं? पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। और हमें ताज्जुब है कि 19 घंटे में 21 एक्ट पारित हुए हैं
और पार्लियामेंट में कोई बहस ही नहीं हुई है। तो आप ये बताइए कि हमारे कानून कौन बना रहा है? इसका मतलब है कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो कानून बना नहीं रहे हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी बना रही है, या कोई पावर सेंटर्स बना रहे हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे हैं? हमारे असली कानून का निर्माता कौन है? तो ये पूरी व्यवस्था को जानबूझ के अंग्रेजों के प्रभाव में एक पंगु व्यवस्था पैदा की गई है, जो कि भारतीयों को गुलाम बनाए हुए है। और हमारा आज जो सही भारतीय है, जो कि हम आप जैसे जो ना लॉर्डशिप का उन्हें मौका नहीं मिला है, वो वास्तव में आज भी गुलाम हैं, और वो सच में अत्याचार सह रहे हैं। आओ हम सब मिलके इस गुलामी को दूर करें। बहुत बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। आप तैयार हैं आचार्य जी? बिल्कुल तैयार है सर, बिल्कुल सर। तो एकदम भिड़ जाइए, आज से ही भिड़ जाइए, हम अपनी दम पर ये परिवर्तन लाके बताएंगे। बिल्कुल, हम टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं, 53 यूनिवर्सिटी के साथ हम काम भी कर रहे हैं, जज्बा भी है, हिम्मत भी है, दृढ़ता भी है, औकात भी है, और चरित्र भी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा। चलिए, नमस्कार नमस्कार।